नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बुधवार को मीडिया के सवाल पर कि जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल पर बिहार में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, कोई शराब पीकर मरेगा तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर कहा कि वह निकलेंगे तभी सब कुछ देख पाएंगे, जो भी योजनाएं हैं कितनी जमीन पर उतरी है यह जान पाएंगे, बाहर गए बिना आप कुछ नहीं जान सकते। केंद्र सरकार ने बजट में किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया था, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से साल 2016 में किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसकी मदद से कई रणनीतियों की सिफारिश की गई थी। पीएम किसान के अलावा भी सरकार ने कई ऐसी स्कीम शुरू की है जिससे किसानों की इनकम सीधे दोगुनी हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यानी 5 जनवरी से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। खड़गे आज बांका के मंदार पर्वत से पदयात्रा को रवाना करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वाहन करीब 11:30 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद सिंह समेत तमाम नेता एवं कार्यकर्ता सहित 1,00,000 की संख्या में लोग मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। भारत सरकार ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जो अपने शहरों से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। अभी तक पता बदलवाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, खासतौर पर उन्हें जो नए शहर में जाते थे और उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं था। लेकिन अब UIDAI ने आधार कार्ड धारकों को यह सुविधा दे दी है कि वो बिना एड्रेस प्रूफ के भी अपने आधार कार्ड में लिखे पते को बदलवा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर आज पश्चिम चंपारण में हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे। इसका अर्थ साफ है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वे विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए वे पूरे देश की यात्रा करेंगे। इसके तहत वह दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई खबरों में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि देश में लॉकडाउन लगेगा और 15 दिनों के लिए स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इस मैसेज में टीवी की स्क्रीन भी शेयर की गई है। इस मैसेज के फैलने से लोगों के बीच फिर से लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेकर PIB फैक्ट चेक की तरफ से फैक्ट चेक के आधार पर बताया गया है कि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले 5 दिनों तक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले 48 घंटे तक राज्य के अधिकतर जिलों में घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई गई है। आपदा विभाग ने भी लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि फिलहाल 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 9 जनवरी के बाद से बिहार में ठंड में कमी का अनुभव होने लगेगा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों की बढ़त दर्ज की गई है। WTI क्रूड ऑयल के भाव की बात करें तो इसमें 0.80% की बढ़त दर्ज की गई है और यह $73.42 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो इसके भाव में 0.68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 78.37% तक पहुँच गया है। मिशन 2024 की तैयारी में लगे नीतीश कुमार 5 जनवरी यानी आज से समाधान यात्रा निकल रहे हैं। सीएम नीतीश की यात्रा 18 जिलों में होकर गुजरेगी, जिसमें 18 सालों में किए गए कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। नीतीश की इस यात्रा को JDU में जान फूंकने के तौर पर भी देखी जा रही है। यात्रा के जरिए नीतीश पहले भी ऐसा कर चुके हैं। फरवरी 2005 के चुनाव में बहुमत नहीं होने की वजह से राबड़ी देवी की सत्ता पलटने में नीतीश जब नाकामयाब हो गए थे, उस वक्त उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। यात्रा सुपरहिट रही और अक्टूबर 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से यात्रा मुक्त होगी तो सबसे पहले मैं उससे जुड़ जाऊंगा। साल 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने लामबंदी शुरू कर दी और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वो लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर स्पष्ट रूप से कहा था कि वो इस रेस में न कभी थे और न ही वर्तमान में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद सत्या नडेला ने एक ट्वीट भी शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास पर सरकार का गहन ध्यान है, जो काफी प्रेरणादायक है। हम भारत के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने और दुनिया के लिए एक रोशनी बनने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरपुर में महिलाओं को बड़ा मौका मिला है। रेडीमेड वस्त्र व बेकरी उत्पाद से लेकर रेस्टोरेंट के उद्योग में जिले की महिलाएं अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अलग अलग कैटेगरी में मुजफ्फरपुर जिले से 317 उद्यमियों का चयन हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के अभियानों में लोगों की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अकेले सरकार के प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता। राज्यों के जल मंत्रियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय का विषय होना चाहिए और शहरीकरण की तेज गति को देखते हुए उन्हें पहले से ही इसके लिए योजना तैयार करनी चाहिए। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के वार्ड 10 निवासी एनएसजी कमांडो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर कमांडो के परिजनों में कोड़ा मच गई है। फिलहाल जवान का शव गुरुवार को प्लेन से पटना पहुंचेगा। यहां से बरौली लाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक बरौली प्रखंड के वार्ड 10 निवासी प्रहलाद सिंह के बेटा दीपक कुमार था, जो एनएसजी कमांडो के ट्रेनिंग के लिए लेह जा रहा था, तभी बर्फबारी में फिसल कर उसकी मौत हो गई। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 188 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,69,319 करोड़ हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,554 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से भारत में अभी तक 5,30,710 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की दैनिक दर 0.10%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.12% है। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को पूरी दुनिया का इंतजार रहता है। हाल ही में ये टीम एशिया कप में 2 बार भिड़ी और T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी दोनों के बीच टक्कर हुई। अब एक बार फिर भारत पाकिस्तान की टक्कर तय हो चुकी है। दोनों टीमें एशिया कप 2023 में भिड़ने वाली है। गुरुवार को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा ऐलान करते हुए टूर्नामेंट के फॉर्मेट और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अध्यक्ष जयसा ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि एशिया कप में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी और इन टीमों का 2 ग्रुप में बांटा गया है। बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में है। घने कोहरे की वजह से खराब दृश्यता के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विमान बुधवार रात अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नहीं उतर सका। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ATC सूत्रों ने बताया कि विमान को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया, जहां विमान को उतारा गया। अमित शाह को बुधवार रात अगरतला पहुंचना था और अगले दिन पूर्वोत्तर राज्य में 2 रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। गुजरात चुनाव में मिली हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक फैक्ट फाइटिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 3 लोगों को रखा गया है, नितिन राउत, शकील अहमद, सत्तागिरी संकार उलाका। अब गुजरात से चुनाव में हार के जीतने भी कारण है, जिस भी वजह से पार्टी की अप्रत्याशित हार हुई है, उन सभी को निचोड़ ये तीनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देने जा रहे हैं। पहले जब जब कांग्रेस की किसी भी चुनाव में हार होती थी, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी राज्य का विधानसभा चुनाव, सोनिया हमेशा एक कमेटी का गठन करती थी। टैक्स भरने वालों को इस बार के बजट में बड़ा झटका लग सकता है। बजट आने में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। केंद्र सरकार इस बार के बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है। इसके साथ ही टैक्स में मिलने वाली छूट को भी खत्म किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक सरकार देश भर में एक ही तरह का टैक्स सिस्टम रखना चाहती है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही इस बार लागू करने का ऐलान किया जा सकता है। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो रेलवे की ओर से आपके लिए शानदार सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत आप सिर्फ 8,000 रुपए में वैष्णो देवी घूम सकते हैं। और खास बात यह है कि इसमें आपको रहने खाने के लिए अलग से 1 भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। ट्रेन में आप अपने पालतू जानवर या डॉगी को कोच में लेकर सफर करते हो तो सहयात्री इस पर ऐतराज करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू की जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों के पालतू कुत्तों के लिए अलग जगह के प्रस्तावित डिजाइन को मंजूरी दे दी है। NIR की तरफ से जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों के कुत्तों के लिए पिंजरों के लिए जगह बनाने के लिए ट्रेनों की पावर कारों को फिर से तैयार किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड और ATM कार्ड को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। अपने रिपोर्ट में RBI ने बताया कि देश में ATM और डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोन और एडवांस से जुड़ी शिकायतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों में कमी के पीछे का क्या कारण है। रिजर्व बैंक के मुताबिक भारत में UPI यूजर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, ऐसे में डेबिट कार्ड यूज करने वालों में कमी दर्ज की गई है। इस कारण डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों में भी कमी दर्ज की गई है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी मार्च तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, डाकघर मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और डाकघर फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। फ्लिपकार्ट की पैरेंट कंपनी वॉलमार्ट इंक ने डिजिटल भुगतान ऐप फोन पे को खरीद लिया है और अब इसका हेडक्वार्टर भारत में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है, लेकिन यहां फोन पे का ऑफिस खुलने पर कंपनी को 1,000 करोड़ का टैक्स चुकाना पड़ेगा। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत में आने पर फोन पे प्राइवेट की वैल्यू में इजाफा होगा और इसके सभी शेयरधारकों को टैक्स के रूप में करीब $1 अरब चुकाने पड़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय जल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के जल मंत्रियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय जल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के जल मंत्रियों को संबोधित किया। सम्मेलन का विषय वाटर विजन @2047 है। पीएम मोदी ने यहां कहा कि भारत ने जल सुरक्षा में बड़ी प्रगति की है। 2047 की ओर हमारी जल दृष्टि अमृत काल में एक बड़ा योगदान होगा। देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए मिलकर काम हो रहा है। अब तक 25,000 अमृत सरोवर बन चुके हैं। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के रास्ते में मालदा के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना के आरोपी की पहचान हो गई है। इसके बाद अब रेलवे सुरक्षा बल ने राज्य जीआरपी के साथ मिलकर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का दबाव बनाएगा। पॉल की अध्यक्षता में समिति बनाई। मार्केटिंग के नाम पर दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच गिफ्ट के जरिए होने वाली सांठगांठ पर आने वाले दिनों में और सख्ती हो सकती है। मीडिया सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों को डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट की जानकारी अधिकारी को देनी पड़ सकती है। कश्मीर मूल के एक व्यक्ति को बुधवार को सरकार ने आतंकवादी घोषित किया। फिलहाल यह अफगानिस्तान में बसा है। यह शख्स भारत में भारत से इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करने में जुटा है। यह दुनिया के कई आतंकी समूहों के संपर्क में है और अलकायदा से भी इसके संबंध है। यह इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के प्रमुख भर्ती करने वालों में से एक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से पारित किए गए प्रस्ताव के तहत ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। स्कीम के लिए कुल 2,539.61 करोड़ रुपए तक की लागत आने की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत 800,000 परिवारों को सरकार की तरफ से मुफ्त में डीडी सेंटर बॉक्स दिए जाएंगे। बता दें कि इसका फायदा वे परिवार उठा पाएंगे जो कि रिमोट ट्राइबल या फिर बॉर्डर के करीबी क्षेत्रों में रहते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंबिका कर्ण, रेणु देवी, महेंद्र कुमार, नन्नू गोलू कुमार, सितेश कुमार, रविशंकर, सोनी कुमारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, कौशल कुमार झा, अरुण कुमार सिंह, नीरज कुमार शर्मा, कालीचरण शर्मा, मोहम्मद नौशदरा झा, अनवर करीम खान, सोनू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हरा सकती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।